इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 69,000 के लिए एक सूची जारी हुई, जिसमें पुरानी मेरिट लिस्ट को रद्द किया गया और कहा गया 3 महीने में दूसरी सूची जारी की जाए। लेकिन जो पहली सूची को रद्द किया जा रहा है, उसके तमाम अभ्यर्थी, वो चाहे सामान्य हो, वो चाहे एससी हो, एसटी हो, उनको अपनी नौकरी जाने का डर है और आज सभी वो निदेशालय पर प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर एक तरफ जहाँ पे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पर इसमें वो सभी वर्ग हैं, वो चाहे सामान्य हो, एससी हो, एसटी हो, और इन सभी को ये लग रहा है कि अगर नई सूची जारी होगी तो हमारी नौकरी चली जाएगी। सीएम योगी का इन्होंने यहाँ पर एक पोस्टर लगा है, आप ही हमारे नियोक्ता, आप ही हमारे संरक्षक। इन लोगों से बातचीत करते हैं, महिलाएं भी यहाँ पर हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंची हैं। आप अभी नौकरी कर रही हैं? जी सर। तो ये जो नई सूची आएगी, आपको लगता है इससे आप लोगों को हटा दिया जाएगा? सर, हमें हटाया जाए ना हटाया जाए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो चयनित हैं, वो प्रभावित होंगे। तो हमारी योगी जी से यही अपील है कि भले आप नए लोगों को लाइए, नियुक्ति दीजिए, लेकिन जो पुराने चयनित है उन्हें आप प्रभावित ना। कब से नौकरी कर रही हैं? मैं थर्ड लिस्ट की हूँ, 66-96, 3 साल हो गए, चौथा साल लग गया। आप कहाँ से आई? मिर्जापुर से जी। क्या दर्द क्या है आप लोगों को? दर्द हम लोग का यही है कि 69,000 भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद अब ये 68,000 आ गए, 6800 आ गए ये लेने लगे, तो इस तरह आरक्षण कितना लेंगे? 48% हुए हैं ये लोग, 19,000 सामान्य जाति के लोग पाए हैं, वर्ग के लोग, उसमें भी 8,000 शिक्षा मित्र हैं, 7,000 वो पूर्व सैनिक वाले हैं, सबको आरक्षण, हम लोग 7-8,000 लोग हैं। तो बताइए हम लोग 19 कहाँ जाएंगे? इसमें भी 19 का 19 पूरा मांग रहे हैं सर, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भी 3-4 साल से जॉब कर रहे हैं, हमारा दर्द भी तो कोई समझे सर। हम लोग को लग रहा है जब से ये माननीय डबल बेंच का सर ऑर्डर आया है, तब से लग रहा है कि हम लोग की दिन रात का चैन उड़ गया, घर वाले अलग परेशान हैं, बच्चे छोटे छोटे पूछ रहे हैं क्या मम्मी तुम्हारी जॉब छूट जाएगी। तो सर हम लोग की क्या गलती है सर? तो माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि सर हम लोग की लिस्ट सुरक्षित रखें, हम लोग को ये एक बार स्पष्ट आश्वासन दे दें कि आप लोग सुरक्षित हैं, उसके बाद आप जिसको लेना हो लीजिए सर। हम लोग की सरकार से यही अपील है सर। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो शिक्षिका यहाँ पर गोद में लेकर पहुँची हैं, बच्चे गर्मी में परेशान हो रहे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर भी जो महिलाएं हैं, और सभी लोग हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं। एक बड़ी संख्या है, हजारों की संख्या है यहाँ पर, 69,000 चयनित जो हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और उनका कहना ये है कि पुरानी सूची को जो है वो किसी भी तरीके से छेड़ा ना जाए। हमारे साथ यहाँ पर एक शिक्षक और मौजूद हैं, क्या है पूरा आज प्रदर्शन करने का कारण? ये जो डबल बेंच का आदेश आया है, इसमें स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि 6800 में जो चयनित साथियों की जिसके लिए उन्होंने बोला गया है कि 6800 की सूची करनी है, और भर्ती जो है 69,000 से ऊपर भी नहीं जानी चाहिए। अब सरकार, क्योंकि सरकार ने हमको नियुक्त किया था, बाबा जी ने हमको नियुक्त किया था और योग्यता के आधार पर नियुक्त किया था, हम लोगों से 2-2 परीक्षाएँ ली गई, उसके बाद फाइनल मेरिट की गई, और हम लोग इसके बाद बहुत से लोग हमारे में NOC लेके दूसरी नौकरियों से आए। अब जब 68 से आ रही है, तो हमारा सरकार से निवेदन ये है कि एक रास्ता अभी भी और है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है, न्याय का एक दौर अभी और बाकी है। सरकार क्यों SLP डालकर इस आदेश को मॉडिफाई ये नहीं करा के लाती कि हमें उन लोगों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारा चयन, इन बहनों का चयन, इन शिक्षकों का चयन रख के, क्योंकि इनके साथ क्या कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए सरकार को, या आप लोग जाएंगे उस फैसले के? सरकार नहीं जाएगी तो सरकार को कोई दबाव रोक सकता है, सरकार को भी प्रेशर रोक सकता है, लेकिन हमको कोई रोक नहीं सकता, हम स्वच्छंद हैं, न्यायपालिका में जो भी हमारे लिए है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाओगे? बिल्कुल जाएंगे, जब सरकार नहीं जाएगी तो जाएंगे। गया था कि जो पहले सूची जारी हुई थी उसमें एक सवाल गलत था, आरक्षण के नियमों का अनदेखा हुआ था, इसको आप किस तरीके से देखिए? जो आंकड़ा है 100% में से 13% केवल सामान्य वर्ग के लोग लगे हुए हैं। क्या आज 68 लोग और लगा लिए जाएं तो उनका आंकड़ा कितना रहेगा? क्या सामान्य वर्ग को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दीजिए आप लोग? ये बैच सारे वर्गों के शिक्षित आए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन मोस्टली प्रभावित इसमें सामान्य वर्ग के लोग हो रहे हैं। ये सारे शिक्षित आए हैं, हर वर्ग का शिक्षित अफेक्टेड होगा, किसी का जिला बदलेगा, किसी को दूर जाना पड़ेगा। हम सब लोग सेटल हो चुके हैं, सबकी शादियाँ हो चुकी हैं, सबकी सामाजिक स्थिति बदल चुकी है, किसी ने फाइनेंस करा लिया है, किसी ने लोन ले लिया है। अगर ये फैसला आता है तो पता नहीं कितने जो है। और भी यहाँ पे जो महिला शिक्षक हैं उनसे एक बार बातचीत करते हैं, आप कहाँ से आई हैं? मेरी नौकरी सीतापुर में, रहने वाले यही लखनऊ के ही हैं।
नहीं, उसको बिल्कुल भी रद्द नहीं किया जाना चाहिए। अगर उसको रद्द किया जाएगा तो कितने हजारों लोगों की जो जिंदगियां हैं उससे पूरी ऊपर की नीचे हो जाएंगी। कितने लोग हैं जिनको नौकरी से हटना पड़ेगा, हम लोग का आधार है ये नौकरी, जीवन यापन इसी से हो रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसी नौकरी की वजह से इतने बड़े बड़े लोन ले रखे हैं, कहाँ जाएंगे वो लोग? ये आप कहाँ से आई हैं? हम भी, मेरा जॉब सीतापुर में है और रहने वाले हम लखनऊ से ही हैं। अरे बिल्कुल, ये दर्द नहीं होता तो आज यहाँ क्यों आते? ये दर्द है, ये इतने लोगों ने लोन रख रखा है, ये सूची बचाने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और कोई रीज़न नहीं है। सूची को कभी बदला नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ये सही है। सुप्रीम कोर्ट जाने का भी रास्ता खोज रहे हैं जैसा ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार नहीं जाएगी तो आप लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, अपना न्याय पाने के लिए जाएंगे। जनरल में पैदा होना हमारा दोष नहीं है, अगर हम मेधावी हैं, हम शिक्षित हैं तो हमें नौकरी चाहिए और इसमें हमारा पूरा अधिकार है। ये सूची जो सरकार की जिन नियमों का पालन करते हुए हम यहाँ तक आए हैं तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं। है कि इसमें सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, इसमें SC भी हैं, इसमें ST भी, और इनका कहना ये है कि आखिर हम लोगों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है। आप ये देखिए यहाँ पर एक महिला जो है, इनसे भी बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं बस इतना कहने चाहूंगी कि हम 4 साल से हम नौकरी कर रहे हैं, चयनित होके आए हैं, हमारी कौन सी गलती है कि हम सामान्य वर्ग से हैं? क्या हमें दर्द नहीं होता? हमारी फैमिली नहीं है, हम क्या कर रहे बताइए? आज 4 साल बाद हमें आगे ये कह दिया जाता है कि सूची बदल जाएगी, हम कब जाएंगे, कहाँ, क्या, किसके पास आएंगे हम? सर ये बताइए, हमारी मजबूरी समझेगा कौन? कोई नहीं आ रहा, कोई खड़ा नहीं हो रहा, ये सिर्फ शिक्षा की। हम लोग आए हैं, हमारा घर पर। कहाँ से आप कहाँ से आई हैं? अंबल से हूँ, शाहजहानपुर में मेरी पोस्टिंग है, मैं अकेली रहती हूँ, अपने मेरा बेटा है, ये बड़ा, ये छोटा बेटा, मैं वहाँ से आई हूँ सिर्फ इसलिए कि हमारे हित सुरक्षित किए जाए, चयनित सुरक्षित किए जाए, चयनितों को अपने हमारी सूची को छुआ ना जाए, जैसा हमारा सिलेक्शन हुआ था वैसे ही रहे, समायोजन उनका हो जो आरक्षण ले रख कर आए। हमें आरक्षण कहाँ मिलेगा? सामान्य वर्ग को आरक्षण का, सामान्य वर्ग को सर, सामान्य को सर, हमें तो ऐसा लगता है कि अब सामान्य को आरक्षण की जरूरत है। यहाँ पर जो है एक बड़ी बड़ी आप देख सकते हैं कि संख्या में तमाम जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, यानी जो चयनित जो शिक्षक हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, आंखों में आंसू भी हैं, गोद में उन्होंने बच्चों को भी लिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि आंखों में जो आंसू हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि आखिर हम लोगों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा, आरक्षित वर्ग के लोगों को समायोजित किया जाना चाहिए ना कि सामान्य वर्ग के, और अगर इसका बीच का कोई रास्ता नहीं निकलता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।